स्पीकर महोदय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में एक बेहद तहसील ना है जहां पर फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। आपसे मेरा कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाती है और जान माल का बहुत नुकसान होता है। इसी तरीके से गर्मी में बिजली के तार टूटने पर वहाँ पर फसल जलकर राख हो जाती है और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। माननीय बेहट तहसील में फायर ब्रिगेड के कोई शाखा नहीं है और आग लगने पर जनपद मुख्यालय सहारनपुर से फायर ब्रिगेड पहुंचने पर लगभग एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि तहसील का रकबा लगभग 50 और 60 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है, इसलिए हमारी आपसे अनुरोध है कि ये बहुत पुरानी समस्या है। इससे पहले भी काफ़ी मरतबा गौर किया गया लेकिन इत्तफाक से आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस समस्या को हल कराने में जिला सहारनपुर के लोगों का मदद करने का आप कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अब गिरीशचंद बीजेपी नो, प्रताप राव यादव जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाणा के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखना चाहता हूँ। वर्ष 2010-11 में के अर्थ संकल्प में महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाणा जिले के खामगांव जालना नई रेल लाइन बनाने हेतु 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2012-13 में रेल विभाग को सर्वेक्षण का रिपोर्ट के साथ 1026 करोड़ रुपए का इस्टीमेट भी दिया गया था। उसके बाद में 25 फरवरी 2016 के रेलवे अर्थ संकल्प में पूंजी निवेश कार्यक्रम के तहत 2016-17 में प्रस्तावित नई लाइन्स में खामगांव जालना रेल मार्ग बनाने हेतु 3000 करोड़ रुपए की लागत राशि को स्वीकृति की गई थी, लेकिन इस संदर्भ में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत 100 वर्षों से खामगांव जालना नई रेल लाइन बनाने की मांग क्षेत्र की जनता की ओर से की जा रही है, लेकिन यह अत्यधिक चिंता एवं आश्चर्य का विषय है कि इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी रैली खामगांव में कहा था कि अगर खामगांव का विधायक और महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आएगी तो ये रेल लाइन का काम हम प्राथमिकता से शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ। मेरा रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से विनंती है